जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करता। टू द पॉइंट विच अज गल उस अन्नदाता दी, उस किसान दी होवेगी जिस दे बिना ना देश दा ढांचा चल सकता है। मेरा यह मानना है कि देश दा जे ढांचा चलाउणा है तां किसान दी खेत मजदूर दी बांह फड़नी पवेगी, उस नूं सुनना पवेगा। कणक दी खरीद पंजाब विच शुरू हो चुकी है, हालांकि कई हिस्सों दे विच कणक देरी नाल पहुंचती मंडियों दे विच, उस दी खरीद दा इंतजाम है जिहड़ा वो उस तरीके नाल वाचा जाएगा। पर जिथे खरीद शुरू हो चुकी है उत्थे इंतजाम किहो जिहा है, बंदोबस्त किहो जिहा है, बहुत सारे सवाल है जिहड़े वो इस करके पुछे जाने लाजमी है। कोरोना वायरस करके करफ्यू है जिहड़ा वो लग्गिया, तो करफ्यू दे विचाले बहुत सारियां होईयां चुनौतियां जिहड़ियां किसानां नूं, प्रशासन नूं, सरकार नूं चलनियां पै रहियां, आड़तियों भी चलनिया पैनगियां, किसानों भी चलनिया पैनगियां, तो होर जिहड़े सरकार के अदारे उन्होंने भी चलनिया पैनगियां। पर साडा सवाल इक्को रहेगा, कणक की खरीद अगे किहड़े चैलेंज। वड्डा सवाल यह पूछा जाएगा इस डिबेट के, वड्डा सवाल यह पूछा जाएगा क पंजाब विच करफ्यू दौरान कणक खरीद आगाज़ का अंजाम की होगा। यह सवाल असं शुरू ही कर रहे हैं, अंत तक इस सवाल का जवाब साढ़े सामने होगा कि किहो जिहा अंजाम हो सकता है, क्योंकि वार वार सरकार नूं आपदा प्लान भी बदलना पड़ सकता है। खास मेहमान साडा मौजूद होने का तारफ करा रहे हैं, जगमोहन सिंह भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के नुमाइंदे है, सूबाई जनरल सकत्तर ने। जगमोहन सिंह हरां दा बड़ा लंबा तजर्बा, तो किसानों दियां मुश्किलां नूं जमीन तक देखते हैं, तो उस तो बाद आवाज़ चुकते हैं, तो इन्हां दा सवाल बड़ा सीधा हुंदा कि सरकार कित्थे हैगी है जनाब। जो सरकार नूं असीं कहिंदे आं भी तुसीं आ जाओ इस डिबेट दे विच, सरकार कहिंदी असीं कल्ले बैठांगे। जे कल्ले बैठण वाली शर्त है, फिर शर्त हो सकदा किसानां तों तां आड़तियां तों तुसीं मनवा लो, असीं इह शर्त नहीं मन्नांगे। बहुत स्वागत है जगमोहन सिंह जी तुहाडा। रविंदर सिंह चीमा पंजाब आड़ती एसोसीएशन दे ये प्रधान है, तो मंडी बोर्ड के भी आपकी भूमिका निभा चुके हैं। मेरा ख्याल है जब तक मैनू जानकारी है सबका वाइस उप प्रधान है जोड़े उप चेयरमैन रहे हैं, तो चीमा साहब का पिछोकड़ है जोड़ा तो वर्तमान वो अकाली दल संबंधित है, तो हो सकता है इन्हों के सवालों पर तुम लोग ये भी समझ लो कि अकाली दल के सवाल है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आड़तियों के सवालों के जवाब इन्हों तो लै सकी। रविंदर सिंह चीमा थोड़ा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल जगमोहन सिंह जी तुहानू करना चाहूँगा। जगमोहन सिंह जी, साढ़े को बड़िया रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट्स के विचाले सवाल ये चुके गए कि मंडिया में ओह जे बंदोबस्त नहीं सी जिहो जे दावे किए गए थे, इन्हां सवालों को अज मैं पासे रख सकता कि नहीं रख सकता? पहला तो मैं तुहाडे तों ये जानना चाहुंदा, क्योंकि सरकार कहती है कि पहली बार साढ़े अगे यही चुनौती आई है, तो जो योजे सवालों शायद थोड़ा जहा तुसीं पासे रख के चलो, क्योंकि असी भी मेहनत करनी है, तो किसानों ने भी करनी है, खेत मजदूरों ने भी करनी है, मंडी बोर्ड ने भी करनी है, हाउस मार्केट वाले ने भी करनी है, सारे ने करनी है, जिहड़ा जिहड़ा अमला इहदे विच लग्गिया। जगमोहन सिंह जी, तुहाडा सवाल की होवेगा इस ते? हाँ जी, इन्हों पासे रखा जा सकता, जो पहला दिन से आगाज से, पर आगाज के काफ़ी फूक निकली आ, पर जिन्हें प्रबंध पहला तो कर रहे हो, पहला 1 अप्रैल तो होंगी सी शुरू, हूँ 15 अप्रैल तो इन्होंने 15 दिन पहले ही डिले की आ, फिर उस तो कोरोना महामारी का संकेत जो फरवरी मार्च च आ गया से, करके जिन्हें इंतजाम करने चाहिए सन, उस गवर्नेंस के मामले के पंजाब सरकार या केंद्र सरकार जो भी जिम्मेवार खरीद एजेंसियां ने, चाहे FCI नोडल एजेंसी है, ज 4-5 इतों स्टेट एजेंसियां ने, उन्होंने पूरे प्रबंध नहीं किए, तो ना ही मिनिटरिंग गवर्नमेंट ने आपके लैवल से की है, ये फेल हुई। जगमोहन सिंह जी, वैसे मैं तुहाडे तों जवाब लैने, मैं तुहाडे तों सवाल इस करके लिता सीगा कि जो सरकार के नुमाइंदे कहन के सानू कल्यां नूं बिठा लो, जो तुसी ए तुसी लोग ये मनन नूं तैयार हो कि हजे पहला दिन है, हो सकता है देरी नाल सवाल भी पुछे जा सकते हैं, उदों भी सरकार के नुमाइंदे इस मंच से बैठन लग्या क्यों झिझकदे आ? मेरा सवाल यह है, मैं इस मंच का सवाल कर रहा जगमोहन सिंह जी। इहदा सरकार दा वेखो ये पासा वटण वाली गल आ, और पारदर्शिता तो दूर रह के मतलब जिवें कहते होंदे आ भी ढक कह रहे ही गल कर रहे हैं, ये मतलब बहुत घातक होगा पंजाब की किसानी लिए, पेंडू खेतर लिए, खेती खेतर लिए, इस किस्म का नहीं करना चाहिए। जो कि एक असं जानते हैं बहुत सारे मंचों के उत्ते, बहुत सारे डिपार्टमेंटा के कान सिंह पन्नू जोड़े ने नोडल इंचार्ज ने, वह सीनियर IAS ने, इमानदार ने, बहुत एफिशेंट ने, वोजे बंद ने भजना साढ़े लिए बहुत घातक है, ये दुखदाई गल है। चलो रविंदर सिंह चीमा जी, मैं हूँ तुहाडे कोल आ रहा चीमा साहब, कुछ आड़तियां तो यह हैगा कि आड़ती पिछे हट गए, तुम थोड़ा पिछे हट के बड़े थोड़ा अगे आ जाओ, आड़तियों को पिछे नहीं हटने की जरूरत, इस वेले सारों को सांझे तौर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत हैगी। चीमा साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा तुहाडे कोल है, चीमा साहब कि आड़ती एसोसीएशन है जो आड़तियों का धड़ा जिहड़ा
इस मौके सरकार तो कदम पिछे हटा रहा, उनकी वजह तुम लोग दसते पे हो कि साडा बकाया रहा है तो किहड़े आड़ती है जेडे कैप्टन साहब न सन्मानित करते ते आज आड़ती है कितने है चीमा साहब। देखो जितों तक कैप्टन साहब की सरकार की गल है, जगमोहन जी ने जिस तरह दसिया, मैं तो कहूंगा भी ये लोकतंत्री सरकार है नहीं, ये महाराजा साहब की सरकार है। जिस तरह के कानून साढ़े जेडे है वो राजाशाही चलिया करते थी ਉਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਆੜਤੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ और मैं सब तो थले लाइन लिखी थी कि मुख्यमंत्री साहब असी करोना दे टाइम ते सरकार नाल टकराओ नहीं चाहते, किसानां नूं जिहड़ा वो मंडियां दे विच खज्जल खुआर नहीं करना चाहते, तुसीं आ साडियां तीन मंगां ने और जे इन्हां चों कोई नजायज समझदे हो मैनूं वापस पत्र कर दिओ मैं सोध दियांगा। सानूं उस पत्र का जवाब देना भी जिहड़ा वो इन्हां नूं गवारा नहीं होया। उस तो बाद असी 11 तरीक नूं इन्हां नूं लास्ट अल्टीमेटम दिता कि 15 नूं तुसीं खरीद चालू करनी है, तुसीं साडी चिट्ठी का जवाब नहीं दिता ते साडे कोल हुण कोई चारा नहीं, असी खरीद च हिस्सेदार नहीं बणांगे। तुहाडी एसोसिएशन है इस खरीद की हिस्सेदारी तो बाहर है सर। चीमा साहब किन्ने लोग हो तुसीं? देखो अज की तरीक च पंजाब दे विच 152 पंजाब च 152 मंडियां ने, जिन्हां चों 146 दे विच अज मुकम्मल बाइकाट होया है। कुछ मंडियां च MLA साहिबान ने ते जिहड़े साडे कोई अहुदेदार ने पार्टियां दे उन्हां ने अपने तौर ते अपने खेतां तों फसल मंगा के बोलियां कराईआं ने। इस तरह दे काम हमेशा सरकारां करदियां ने हुंदे आए। मैं नहीं कहिंदा मेरे नाल किन्ने ने ते मेरे विरोधी नाल किन्ने ने, पर यह रिपोर्ट तुहाडे कोल मीडिया कोल आ चुकी होएगी कि कितनियां मंडियां जज परचेज हुई है। तो अज आ जगमोहन जी बैठे ने, इन्हां नूं पुछ लो, पंजाब का कोई कोना ऐसा नहीं जिथे कणक नहीं वढ़ी जा चुकी, लोगों ने कणक मजबूरी च कर सकी है। सरकार कहती है साढ़े कोल सारे इंतजाम ने, वो नवा प्रोसीजर बनाया गया है, ये सूई के नके चो लवाना चाहते आड़तियों नूं, सूई के नके चो लवाना चाहते ने किसानों नूं, ते इन्हां दे जिहड़ा मतलब डब्बे वाहे ने 30-30 फुट दे, वो इस तरह वाहे ने भी जिवें 30 फुट तो बाद करोना जिहड़ा वो बंद हो जाएगा। किसान तो पहले ही ट्राली लैके आउंदा, उहदा मंजा पहले ही 20 फुट दूर हुंदा एक किसान तो, एक ट्राली आ जाए उहदी ढेरी लग जाए तो दूजी ट्राली 20 फुट दूर चली जाती, तो इन्हां नूं ये डब्बे वाहन की लोड़ नहीं, तां कुदरत वल्लों ही ट्राली आ के उतरदी ते उन्हें अपनी जिन्नी दूरी यह कहिंदे ने उहदों दुगनी दूरी ते जाना सी। जे कोई 5 ट्रालियां लै आउंदा इकट्ठियां तां वी कोई पाप नहीं सी, पर यह सारा काम रजाता। ठीक 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 है चीमा साहब, वापस आऊँगा। जगमोहन सिंह जी, डब्बे वाहन की जरूरत नहीं हैगी सर, सोशल डिस्टेंसिंग का जिहड़ा मामला ये कहिंदे चीमा साहब कहिंदे इस तों पहलां ही किसान अपना रहे हैं। जगमोहन सिंह जी थोड़ा जे ये चीज़ा दुरुस्त कर दो, तुसी एक किसान यूनियन के जिम्मेवार नुमाइंदे हो सर, इस वेले सोशल डिस्टेंसिंग की तो जरूरत है सर सानू? देखो जी फिजिकल डिस्टेंस वाला मामला ये अजकल बहुत ज़्यादा लोड़ दिया और इस मौके पर करोना महामारी के खास तौर पर मतलब खास प्रकाशनी मेजर जो लैने सन वो लैने चाहिए सन, पर इन जो गवर्नमेंट ने जो खेती नीति अज तो 7-8 दिन पहले मीडिया से कान सिंह पन्नू ने अनाउंस की, असं भी तजाद करा रही अस 10 किसान जथेबंदियों ने कुछ सुझा दिते सन, इन्हों रिटर्न मुख्यमंत्री मंग पत्र भेजा 1 अप्रैल में, जिदा सू जवाब भी नहीं आया, तो उन्होंने मिलया या नहीं मिलया, अजी प्रेस में भी रिलीज करता अच्छे प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया साढ़े मंग पत्र का चर्चा भी हुआ 10 किसान जथेबंदियों ने साझे रूप के। मैं इतने कहना चाहता कि यह वेखो ये जिमें एक थान बनाती भी इतने किसान बैठूगा, वो जने भी किसी अफसर ने बनाई है उसने ध्यान रखा 37-38 डिग्री के मंडी के फड़ के एक गोल चक्कर बना दो भी इतने किसान बैठूगा कि किसान उसे बैठ सकता। किसान तो आड़ती है बरांडे च आड़ती है जो गद्दा लगा उ जाके जा किसी दरख्त थले बैठूगा डाक है उत्थे बैठूगा। सोशल डिस्टेंस लिए यो जरूरी सी
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਚਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਸਪੋਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣਾਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਆਰਿਆ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ MSP ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 1 ਆ 2 ਆ 3 ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4 ਨੇ 6 ਨੇ 7 ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਤਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਥਾਰੋਂ ਲਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਾਈਏ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ, ਇਕਾਨਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਵੀ 15% ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ
जिस तरह जिस ढंग के स्लो गति दे खरीद शुरू हुई है तो यह स्लो ही रहनी है जानी सुस्ती रहनी है यह सुस्त कई गायक पैदा हो जाएंगे गैंग वो पैदा हो जाएंगे जेडे मतलब किसी ना किसी ढंग आड़तियों कई मतलब जेडे मतलब इस किस्म का चोर बजारी करते हैं वो 1800 रुपये 1700 रुपये क्विंटल कण खरीदेंगे बाद खरीद एजेंसियों को उही 1925 रुपये बेच जाएंगे आपके रिश्तेदारों के नाल मैं थोड़ा जा सर थोड़ा जा मैं जगमोहन जी इस सवाल से जरूर आना चाहता तुम काला बाजारी का इशारा किया ना मैं इस सवाल से आना चाहता जगमोहन जी सरकार के नुमाइंदे एक बार इस तो पहला मैं चर्चा कर चुके हैं वो उन्होंने असं ये सवाल रखिया उन्होंने आके ये सवाल बड़ा वाजिब है तुहाडा भी कोई होर इनू स्टोर कर लूगा तो उस तो बाद खरीद एजेंसियां उन्ने भाते वेच दूगा तो छोटा किसान है जिहड़ा आम किसान है वह लुट्टा जाएगा जिंदे कोल विचारे कोल जगह भी है नहीं रखण नूं यह सवाल असीं कीता सी जगमोहन जी उन्होंने कहा सीगा जिहड़ा इहो जिहा कुछ करूगा असीं उन्नू भी फड़ांगे नहीं फड़न के अज वेखो सरदार कान सिंह पन्नू उन्हां नूं सीनियर आईएएस ने सिद्धा मैं सवाल किया मैं कहा इहदे लई कोई नोटिफिकेशन जारी करो कि 1925 रुपये तो घट कोई भी कितने कणक खरीदा पकड़िया गया तो वो असी फलाने क्रिमिनल क्रिमिनल कोई ना कोई दफा के तहत वो अगेंस्ट केस रजिस्टर करा इस तरह का कोई नोटिफिकेशन लैके आन आते जी ये जरा एसेंशियल सर्विस एक्ट हैगा जी फलाना डिसार्टर्ड वाला फलाना है जी गल गोल मोल करके स्पष्ट पोजिशन नहीं जो कि अज ही एक दो मिनट जिस तरह हो थोड़ी चीज साफ कर दो मैं चाहना कि साडे दर्शकां नूं कल्ली कल्ली चीज समझ आवे तुहानूं आड़तियां ते शक है बिल्कुल शक है बिल्कुल शक है चीमा साहब जगमोहन सिंह जी बतौर किसान यूनियन के नुमाइंदे अपनी गल भी रख लियो जी पहले गल पूरी कर रहे जो तो एक, एक गल मैं ऐड करना चाहता जी जी एक आड़ती आड़त का काम करते हैं पर इतने बहुत सारे आड़ती योजे ने जो आड़ती है घट ने वो तो वह मनी लेंडर ने ट्रेडर ने मनी लैंडर ते ट्रेडर शामिल हैगे आ जिहड़े इहो जी कालाबाजारी करदे आ तुसीं सरकार दे कानून दे खिलाफ तां बोलदे पए हो जे तुहाडे खिलाफ कोई आवाज इहो जी चक्की जांदी है तुसीं उदों क्यों नहीं कहिंदे कि साडे आड़तियां विचों कोई कालाबाजारी करूगा तां सानूं वी चक के अंदर पा दिओ क्यों नहीं कहते चीमा साहब तुसी इस तरह खैर जो जे किसान नाल किते कोई धक्का हुंदा है किसान नाल कोई ज्यादती करता है और किसान नाल चोरी बजारी करता है तो असी अज तक किसी इस तरह के अंसर की हमायत नहीं की पर मैं जगमोहन जी तुहानू भी ये जिहड़ी है गल स्पष्ट करनी चाहना कि आड़ती नू किसान की फसल घट रेट से लैके सरकार नूं वध रेट ते बेचण दा ना कोई शौक है ते ना कोई किसान अज पंजाब दा बर्दाश्त करदा है मैनूं इन्ना कु पता है कि झोने दे विच कुछ बीज ऐसे ने जिहड़े छेदरां वाले गौरमेंट रेट ते नहीं लैंदे पर कणक दे विच जे सरकार खरीद बंद हो जावे तां वक्खरी गल है कणक दी खरीद अगर सरकार करदी है तो किसी किसान का भी घट रेट के उत्ते माल नहीं बिकता और किसान नूं असी कहांगे कि जिन्ना चिर सरकार की खरीद शुरू ना होवे उन्ना चिर मंडिया च माल लियाउण दी काल नहीं करनी चाहीदी जे सरकार की खरीद 15 तो शुरू होनी सी तो कल मैनूं 2-3 मंडिया तो फोन आए कि साडे ट्रालियां लए किसान खरीद शुरू नहीं हुई 14 तरीक सी कोरोना करके वह मंडिया च रुकना भी नहीं चाहते किसान दे मैं क्या इन्हां बोरियां नूं भर लो भर के अंदर रख लो किसान नूं वजन दी पर्ची दे चीमा चीमा साहब चीमा साहब जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो उस गल विच ही वजन हैगा पर मेरे सवाल का जवाब तुसीं इत्थे कैमरे अगे भी स्पष्ट तौर पर नहीं दे रहे तुसीं कह रहे भी जिहड़ा इहो जिहा कुछ करदा असीं उहदी हमायत तां नहीं करदे पर मुखालफत भी नहीं सर तुसीं कर रहे तुहाडे वल्लों कोई इहो जिहा बयान आया जे जगमोहन सिंह हरां ने सवाल चुकिया सर सुन लो एक बारी जे जगमोहन सिंह हरां ने सवाल चुकिया तो किसी तजर्बे दे आधार ते सवाल चुकिया जगमोहन सिंह हरी झूठ तां नहीं बोलदे पए सर चलो
चलो मैं ये नहीं कहता पर जगमोहन जी मैनू एक आरती का ना अज इस प्लेटफॉर्म तो जिहड़ा है वो करा दें भी जिन्हें किसान की फसल कणक घट रेट से खरीदी है तो मतलब घट रेट से खरीदने की गल ही मैं कहना होर कुछ नहीं कहना उन्हें बेची है नहीं बेची की भाव बेची है वक्री गल है जगमोहन सिंह जी कोई नाम दस सकते हो जे तुसी इत्थे नाम नहीं दसना चाहते चीमा साहब ने जिम्मे किया तुहाडे कोले कुछ नाम है जिहड़े चीमा साहब नूं दे सकदे हो कैमरे तो बाद दे दिओ ना सर नहीं नहीं इत्थे दसना नहीं 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 बिल्कुल है असीं हाई कोर्ट च मैं पटीशनर आ जिहदे च मेरा इह पटीशन दे तौर ते पटीशन चीफ जस्टिस दे पटीशन चल रही है जिहदे च इह वी आर्थिक सिस्टम जिहड़ा खत्म होना चाहिए उह च फुल आर्गूमेंट ठीक है ठीक है सर फुल एग्जांपल ठीक है इस डिबेट नूं तुसीं इक वखरा रूप दित्ता चीमा साहब तुहानूं इह नाम दे देणगे इह कहिंदे पटीशनर वी हैगा मैं कोर्ट दे विच जदों कोर्ट विच बंदा पटीशनर हुंदा फिर बंदा उत्थे हिसाब नाल चलदा उत्थे अदालत दा डंडा चलना सर चीमा साहब सियासत वखरी जगह जथेबंदी वखरी जगह सर वो पटीशन दे विच इन्हां दी जिहड़ी पटीशन है वो पर्टिकुलर किसी आड़ती दे नाम ते पटीशन अजे भी नहीं है मैं तुहानूं दोबारा स्पष्ट करदा इन्हां ने सरकार नूं पार्टी बना के कानून सोधन की मंग कीती हुई है इन्हां दा हक बनदा है पर किसी एक आड़ती दा नाम उस पटीशन च नहीं है जिन्नियां पटीशन देखो ये आड़ती सिस्टम के खिलाफ ने इन्हां नूं ये इन्हां दी विचारधारा मुताबक आड़ती नहीं होना चाहिए इन्होंने कहा कि तुसी मनी लैंडिंग नहीं होने चाहिए मैं ये बेनती करदा इन्हां नूं कि साडी थां ते कोऑपरेट सोसाइटियां पंजाब सरकार ने 1965 दियां बनाईयां ने ये कोऑपरेट सोसाइटियां अद्धी आड़त मोड़दियां ने किसान नूं तां किसान उन्हां कोऑपरेट सोसाइटियां कोल क्यों नहीं जांदा मैं सर इसे सवाल को तुहाडे नूं वापस लैके आ रहा मेरी थोड़ी जी मजबूरी है ब्रेक लेनी पै रही है मैं तुहाडी गल नूं अगे वधाऊंगा क्योंकि जगमोहन सिंह हरां दा मैं बयान कितने होर भी पढ़िया सीगा इह कहिंदे सी सहकारी सेवावां दे कोले इह सब कुछ जाणा चाहीदा हुण इन्हां ने इस प्लेटफॉर्म ते कहा कि आड़ती सिस्टम खत्म होना चाहीदा साडा इत्थे मकसद आड़तियां ते किसानां नूं लड़ाउणा नहीं हैगा साडा मकसद हैगा पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जदों तक नहीं होवेगी चाहे वह सरकार के पासे वल हो चाहे वह किसानों के पासे वल हो चाहे आड़ती सिस्टम के पासे वल हो चाहे खेत मजदूरों तक पहुँचती राशि वल हो बहुत सारे सवाल है पारदर्शिता बहुत जरूरी है ब्रेक तो बाद वापस आके पारदर्शिता वाले होर सवाल हो सवालों की वजह करके सरकार का कोई नुमाइंदा इस डिबेट में बैठन तो इनकारी हो गया इस करके सानू ये सवाल पूछने पैणगे तो हो सकता है वह नुमाइंदा ये डिबेट सुन रहा हो ब्रेक तो वापस आ रहा ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਟਾਫਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਕੱਟਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਾਟ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਟ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰੀ ਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 1925 ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕੱਟ ਨਾ ਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ
कारती का ना अज तो एक महीना बाद जो सारी खरीद होगी मेनू दस दौ कि साढ़े फलाने फार्मर की जिहड़ी कणक है वो 1920 बिकी है या 24 बिकी है। चलो चलो ठीक है ठीक ठीक है सर, मैं जरूर इशू लेके आऊँगा, मैं आ रहा वापस। हूँ जगमोहन सिंह जी, आप मुद्दे पर वापस आ जाइए। जगमोहन सिंह जी, एक सारिया जथेबंदियां ने सारिया सियासी धिरां ने डिमांड की है कि जेडे उत्थे सारे लोग मंडी च जा रहे हैं, चाहे वह सरकार के प्रबंधन तहत है, चाहे वह किसान है, चाहे वह खेत मजदूर है, चाहे वह मनरेगा वाले कामे हो, जो भी जिंदी जिंदी ड्यूटी लगेगी, चाहे वह पिंडा च उठ के आए हुए कामे है, उन्होंने सारे का बीमा होना चाहिए। तुसी इस नाल इतफाक रखते हो, ये पॉसीबल है? नहीं एक होना चाहिए जी बीमा, इस रौला ही नहीं। जो मंडीकरण बोर्ड बनिया, ये मंडीकरण बोर्ड के सत्कारयोग चीमा साहब बहुत साल बहुत वधिया एफिशिएंट ढंग मंडीकरण बोर्ड को चलाया। मंडीकरण बोर्ड तो खेत मजदूरों किसानों मतलब काम दौरान कोई जख्मी हो जाता कुछ होता वो बीमा किया, एक परसेंट देते हैं भावे को जी एक निश्चित की अमाउंट वो बहुत ही वधाई नहीं, वो एक वक्रा मसला डिस्कशन वाला। मंडीकरण बोर्ड और सरकार मिलकर और सेंटर गवर्नमेंट को यह मंग रखनी चाहिए सी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार को एफिशिएंटली जो कोरोना वायरस के नाल जूझण वाले जड़ा मतलब है डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ हो या दूजे उन्होंने बीमे 40-40 लाख रुपये हो सकते हैं, जिन्हें मतलब सवेर तो लैके रात तक जी चीज किसान की पैदा की खानी है, चाहे डॉक्टर है चाहे कोरोना वायरस का मरीज वेंटीलेटर से पाया, उसके कोल भी किसान की पैदा की चीज पहुंचनी है, चाहे दुध है चाहे रोटी है चाहे कुछ भी है, फिर क्यों नहीं किसान का क्यों नहीं खेत मजदूर का बीमा क्यों नहीं कोरोना वायरस तरह जो मंडी चाहना है उदो एक्सपोजर होना, उन्हें खेत जाना, उन्हें कणक कट्टनी है, उन्हें वढ़नी है, लाजमी बीमा होना चाहिए इस गल नहीं है डिमांड। अच्छा दूसरी गल जी चीमा साहब ने कही सी काट वाली गल, वेखो ये गल बिल्कुल ठीक है भी कणक के काट बहुत घट कट्टी जाती है, और इस गल के उत्ते चीमा साहब आप जो कट्ठे होकर हमला मार गए जे काट नहीं कट्टनी, काट का कोई रौला नहीं, ये आड़तियों को बेनती करना भी फर्शी टंडे कंडे के नाल 80 क्वांटल 90 क्वांटल 100 क्वांटल जिनी ट्राली आती है, क्योंकि 50 क्वांटल वाली शर्त तो पिछे हट गए, इन पता लगा भी प्रैक्टिकली लागू नहीं होंगी, हुण जिनी ट्राली आती है सारी ट्राली को फर्शी कंडे से तोल के उदो ही आड़तियों को स्लिप दे दे, बाकी काम जो फूड ग्रेड एजेंसी ने 35 किलो भरनी है, 40 किलो भरनी है, 50 किलो भरनी है बोरी के बोरिया चलानी है, कि फूड ग्रेड एजेंसी का कड़ा फाड़ है, कि फूड ग्रेड एजेंसी का कड़ा फाड़ है, वो फूड ग्रेड एजेंसियां आड़ती आड़तियों के करेंदे मार्केट मेडिकल बोर्ड वाला उत्थे करता रहे, यह मुलाजम ने इन पैरामेडिकल स्टाफ हो मेडिकल स्टाफ एजुकेट भी कर सकता है, सैनिटाइज भी कर सकता है, मतलब ये आपके मुंह से कपड़ा वगैरह सारा कुछ मास्क वगैरह ले सकते हैं, उत्थे मतलब किसान की मतलब कंबाइन लगी आ 7 किले, मतलब मेरे को 7 किले का मैं मालिक है, 7 किले तो मैं जिन्ने क्वार्टल मेरी होंगी है कंबाइन एको दिन 7 किले वढ़ी जानी है, एको दिन घेरी है इकट्ठी पक्की है, और जिन्या ट्रालिया होती है किसान को एक ही पास के उत्ते सारिया ट्रालिया उत्थे आ जी, कोई किसान कोई आपकी ट्राली 7 गड़े लाउंदा 8 गड़े लाउंदा उत्थे बखरी। अच्छा मॉइस्चर का कोई रौला ही नहीं, एक खुद कान सिंह पन्नू अज मन गया मतलब मीडिया के कणक के वेले मॉइस्चर का कोई बहुता रौला नहीं होंदा, मॉइस्चर जे 14 भी हो 16 भी हो जिनी गर्मी पै रही है घट जाता, जिन्ने चर वो साफ होंगी बोरिया च पीती है 2-3 घट जाता, जे घटिया बधा लेंगे ने वध्या घटा लेंगे ने, यह चीमा साहब को पता है फूड ग्रेड एजेंसियां ते जड़े वेल स्टोर करने वाले उन्होंने सांझी मिली भुगत होंगी है, जो कणक बाहर जाती है स्पैशल लगती है उदो मॉइस्चर वध के 35 किलो आ चुके हो। चीमा साहब फर्शी कंडे का जो जिक्र कर रहे जगमोहन सिंह जी, असी उस बारे की सोच रहे हैं? देखो अज दे हालात च वो भी कोई माड़ा हल नहीं, हाँ जिहड़ी काट की कितने इन्होंने किसी चैनल से गल की है मैं सुनी नहीं, पर यह जिहड़ी काट है मैं समझा देना तुहानू तो की काट है, यह फर्शी कंडे दे उत्ते अज अगर माल आपां लैने आ तां जिन्ना उहदे विच मतलब इनू स्पेसिफिकेशन च फॉरम मैटर कहने है, एक तां ग्रेन हुंदा है, एक बाकी उहदे च वाधू समान हुंदा है, मिट्टी हुंदी है जिहड़ा उहदे च बाथू होएगा कुंडी होएगी मक्खी होएगी, ये चीजा का एक पैमाना जोड़ा वो स्पेसिफिकेशन चाहता कि तुम इन्ने परसेंटेज आ हो सकती है, अगर इदू होगी तो असं लवेंगे नहीं, तो वो वास्ते झारा लगता है उन्होंने पखा लगता है, तो जो सीधी माल आप प्लेटफॉर्म तो ढेरी करा तो उन्होंने पखा झारा नहीं लगेगा, पखा झारा नहीं लगेगा तो वो उन्नी काट आपस किसान आड़ती अपनी जजमेंट मुताबिक या बिच तीजी धिर सरकार भी बह जाए
ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਾਟ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਕਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਜਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਟ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਮੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥਰੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਬੀਮੇ ਤੋਂ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਜੋ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਬੋਨਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਨਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹ ਬੋਨਸ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25 ਰੁਪਈਏ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, 50 ਰੁਪਈਏ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ FCI ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ FCI ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰਜ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਟ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਟ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੋਨਸ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 25% ਵਾਲਾ ਸਰ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ 100-200 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? 100 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, 200 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, 25 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ 25 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ,
और 2 महीने रखने वाला 2 महीने रख लो, 3 महीने रखने वाला। चलो तुसी नहीं जवाब दे रहे सर जी, मैं समझ गया। मैं जगमोहन जी थोड़ा टेक लेना ब्रेक तो बाद वापस आके, जो तुसी अकाली दल होने के नाते जवाब देना चाहते हो उदो मैं नहीं चाहता, उदो मैं चाहता कि आड़ती एसोसीएशन के वालों जवाब आना चाहिए, जो तो मैं चाहता कि तुसी अकाली दल के नुमाइंदे होने के नाते जवाब उदो तुसी नहीं देना चाहते, पता नहीं की चक्कर है। कोरोना तो डरो ना, ये भी अपील लाजमी हैगी है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा जिक्र हो रहा उसनों जे तुसी शरीरक अलैदगी वलो वजो समझना चाहते हो तो उमें समझ लो, पर किसानों हार पा के जेडे मंडी दे विच आ रहे हैं उस नाल कि जित हासिल करना चाहती है सरकार, ये सवाल अपने आप उन्ना क वड्डा हैगा कि तुसी एक सुनेहा तो दे सकते हो पर उस सुनेहा देने दे नाल जमीन ते की हो रहा है उसके सवालों के जवाब तुहानू देने पैणगे। जे डब्बे तुसी वाह रहे हो उन्हां डब्बियां विच किसान की सुरक्षा, खेत मजदूर की सुरक्षा, ज होर जिहड़ा प्रशासन का उत्थे आउणा लग्या उन्हां दी सुरक्षा का की बंदोबस्त हैगा, सरकार तो जवाब असी ये मंग रहे हैं। ब्रेक तो वापस आके होर सवाल होणगे जरूर। सवाल असं पूछने इस चर्चा के पंजाब में करफ्यू दौरान कणक खरीद के आगाज़ का अंजाम की होगा। जगमोहन सिंह जी असी आखिरी हिस्से में हैं, मैं एक सवाल छड़ के गया सी, जिहड़े किसान उत्थे जा रहे उन्होंने हार पा के जिहड़ा जेस्चर उत्थे दिखाने की कोशिश की जा रही है उस दे नाल कोई फर्क पवेगा सर? वो बड़ा दिखांतक है जी, देखो हार पौड़ वाला तो हार पौड़ वाला दोनों ने ना दा मास्क लाए सन ना उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखा, यह की सीरिया देना चाहते हैं करोना महामारी च कि इंटरनेशनल मेजर्स ने कि 4 डिस्ट्रिक्ट साडे लॉकडाउन हो गए ने पंजाब के, एक किस तरह की सोशल डिस्टेंस लागू करेंगे प्रबंधक जोड़े इस तरह का स्वागत करते हैं, इसलिए बाकी जो हार पड़े ने कोई हार कोई चंगे नहीं गए। वेखो ये चीमा साहब भी हो सकती है कोई पहले दिन उन्होंने प्लैन मिली भुगतना की जाए, पर पिछली जी डिस्कशन चल रही है वह सार्थक हो सके। दो गल्ला चीमा साहब ने करनी ने, एक तो इन्होंने अपील करनी है भी इन्हों जो मंगा ने कुछ उन्होंने पोस्टपोन करना, इन्हों खरीद तो पहला जोर ना ठा लेनी चाहिए सी, एजुटेशन करनी चाहिए सी, जिन्हों की है उन्होंने साड़ी सहमति हो ना हो वक्री गल है, आपका तबका आपदी मंगा होनी। दूजी गल है भी हूँ इन्हों खरीद तो बाद उठाया चाहिए, हूँ इन्हों खरीद च जुटना चाहिए, जितना काट वाली गल सी सच्ची गल है कणक उत्ते जी झाड़ फूक की 1% काट होंगी आदि सहमति आ, वह सहमति बढ़ा के आप ट्राली पूरी वड्डी वड्डे फर्शी कट्टे तुले और कणक छेती तो छेती विके आप इसलिए हमला मारीए प्रोटेस्ट करिए जोर लाइए प्रैशर बनाइए ता जो एक साझीवालता के अनुसार कोरोना महामारी तो आप किसानों बचा सकी आड़तियों बचा सकी आड़तियों के करिंदियों को बचा सकी फूड ग्रेन एजेंसियों के मुलाजमों को बचा सकी, उत्थे जो मजदूर है बेचारा जो भुखा बैठा कई दिनों तो उन्हें कणक वगैरह साफ करनी उन्होंने बचा सकी, इन्हें रल के हमला मारीए खरीद दब के कराइए और ये जो भी कोशिश हो सकती आप करिए। जी हार पाने वाली गल है कोई चंकी नहीं लगी जी सू बहुत ना ही कोई खुशी मनाने वाली गल सी योजी मतलब महामारी के दौरान। ठीक ठीक है सर। चीमा साहब एक गुजारिश तुसी उन्हां दी भी मान लो सर जगमोहन सिंह हरां दी, ये कल्ले जगमोहन सिंह हरां दी गुजारिश नहीं, इस दे विच आवाज़ उन्हां मजदूरां दी है उन्हां कामियां दी है जिहड़े इस वक्त का इंतजार करते हैं कि साढ़े घरे दाने आउणगे साढ़े न्याणे है जिहड़े वो उसनू खा सकणगे साढ़े घरे 4 पैसे आउणगे। चीमा साहब थोड़ी जी दरखास्त तुसी मान लो छड़ दो ना थोड़ी सियासत सर, मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हैगा, सरकार कोले जिहड़े सवाल तुहाडे होणगे मैं तुहानू कल्लिआं नू बिठा के पुछवा लूंगा सर सरकार नू। देखो इस तरह है साडा गुआंढी सूबा हरियाणा है करोना तो उत्थे भी आ रहा, कल्ले पंजाब तो नहीं आया करोना, ये साडी मंग पंजाब दे आड़तियां दी ते हरियाणे दे आड़तियां दी सांझी सी, हरियाणे ने मन ली नोटिफिकेशन करती और आड़ती मतलब जेड़े ने खुशी नाल 20 तरीक नूं उत्थे खरीद चालू हो रही है बहुत गलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अज कहता करोना ने सानू करजाई बनाता सर, इस तो पहला पंजाब के हालात तुसी देख चुके हो सर, पंजाब का खजाना किस हालात में है चीमा साहब? पंजाब का खजाने के उत्ते करोना ने जो डिमांड की होगी होगी पर एक पैसा पंजाब सरकार पल्यों नहीं ला रही, जो सोशल जथेबंदियां ने लंगर का इंतजाम वो कर रही ने पेमेंट ओरी जी है समाज सेवी संस्थावां ने दित्ते ने और हलके दे नुमाइंदे जिहड़े ने
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਖੁਦ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਊਗੀ। ਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਵਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਈ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।